जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है, यह बदलाव कब से लागू हो जाएगा और इसके क्या पॉजिटिव थिंग है और कौन सी ऐसी निगेटिव थिंग है जो आगे चल के लॉस दे सकती है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कौन से ऐसे सुझाव हैं जिसे इसमें शामिल करना चाहिए किंतु शामिल नहीं किया जा सका। भारत में जो पहली बार शिक्षा नीति में बदलाव किया गया था वो 1968 में किया गया था, उसके बाद 1986 में किया गया जिसमें थोड़ा सा अपडेट 1992 में लाया गया, लेकिन ये बहुत बड़ा चेंज नहीं था इसलिए इसे अलग से कोई शिक्षा नीति में शामिल नहीं करते हैं। अभी जो शिक्षा नीति आई है 2020, नई शिक्षा नीति NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये 2022 या 2023 तक लागू हो सकता है। अगर कोरोना जल्दी से निपट गया तो ये 2022 से लागू हो जाएगा हमारी नई शिक्षा नीति। ये जो नीति बनाई गई है इसे बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है, गांव के स्तर से पंचायत तक से ही वहां से सलाह मशवरा को किया गया है। कस्तूरी रंजन जो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं उनकी अध्यक्षता में इसे शामिल किया गया। ऐसा कोई जिला या पंचायत को नहीं छोड़ा गया हिंदुस्तान से जहां से सलाह मशवरा नहीं किया गया और उसके बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। किसी शिक्षा को बनाने में, किसी शिक्षा के मसौदा को तैयार करने में अब तक की यह सबसे बड़ी कमेटी रही है जिसके इतने ज्यादा सुझाव को माना गया है। इस नीति के अनुसार जो भारत का MHRD था यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका नाम बदल दिया गया क्योंकि इसी के अंदर शिक्षा मंत्रालय आता था, इसका नाम बदलकर सीधा रख दिया गया भैया शिक्षा मंत्रालय। इसे आप हम लोग क्या कहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहेंगे। इसके अलावा इसमें जो 10+2 प्रोग्राम था इसे बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया। यही नहीं समझ में आ रहा है क्या चीज है, और साथ ही ये भी समझेंगे कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन PhD तक में क्या चेंजिंग आएगी। स्ट्रीम को खत्म किया गया, ये सबसे बेहतरीन है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट को शामिल कर दिया गया। देखिए जो 10+2 था ये क्या दर्शाता था, 10+2 का मतलब होता था 12 साल, यानी 12 साल आपकी स्टडी पर गवर्नमेंट आप पर निगरानी रखती थी, स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी रहती थी 12 साल, यानी क्लास 1 से लेकर 12 तक। 10+10 का मतलब क्या, 1 से लेकर 10 और फिर +2 यानी 12 साल। यहाँ के बाद आपको राज्य सरकार उठा के किसी यूनिवर्सिटी के हवाले कर देती थी कि भैया ग्रेजुएशन कराना है तो किसी यूनिवर्सिटी से जाके कर लो, फिर आपको राज्य सरकार नहीं देखने आती थी। जैसे आप ये सुने होंगे कि हमने भैया 10th किया है यूपी बोर्ड, 12th किया है आपका बिहार बोर्ड, लेकिन ये नहीं सुने होंगे कि हम ग्रेजुएशन किए हैं हरियाणा बोर्ड। भाई ग्रेजुएशन आप यूनिवर्सिटी से किए होंगे, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से, समझा। तो ये जो सिस्टम था इसे इसमें चेंज किया गया। ये 12 साल जो गवर्नमेंट के अंडर में आप पढ़ाई कर रहे हैं इसकी शुरुआत होती थी जब आपकी उम्र 6 साल हो जाती थी, यानी 6 साल की उम्र में आप क्लास 1 में एंट्री कर जाते थे और उसके बाद गवर्नमेंट आप पर 12 साल तक आप पर निगरानी रखती थी आप क्या क्या पढ़ रहे हैं। अबकी गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम ये 12 साल नहीं रखेंगे, अब हम आपको 15 साल निगरानी रखेंगे। आप इसको जोड़िए 5+3+3+4, अब गवर्नमेंट आप पर 15 साल नजर रखने वाली है। तो आप कहेंगे क्या 12 के बाद भी 3 साल रखेगी किया, तो नहीं ऐसा नहीं है, ये गवर्नमेंट शुरुआत से ही अब आप पे नजर रखेगी। और इसमें कहा गया है कि जो स्टडी की शुरुआत हो जाएगी, पढ़ाई की जो शुरुआत है वो 3 साल की उम्र से ही हो जाएगी। 3 साल का बचवा बहुत छोटा रहता है, उसी को स्कूल में डाल देना है। गवर्नमेंट ने खास करके जो इस समिति जी कस्तूरी रंजन के अध्यक्षता में इसने ये किया कि आखिर लड़का स्कूल से भागता क्यों है, उसे स्कूल से इतना एलर्जी क्या है। एक छोटा बच्चा था वो जा रहा था तो एक देखा कि एक कसाई बकरा को खींच रहा था एकदम तेज से, अब बकरा बेचारा पीछे खींचा रहा था तो अपने पापा से पूछा कि पापा पापा वो बकरा इतना रो क्यों रहा है। तो उसके पापा कहे कि वो कसाई है, उसको ले जा रहा है काटने के लिए। तो बच्चा कहा ओहो हमको लगा कि स्कूल ले जा रहा है। सोचिए मतलब लड़का को कटाने से ज़्यादा तकलीफ होता था स्कूल जाने में। तो इसको देखते हुए लड़कों को स्कूल से डर ना करके स्कूल से लगाव करने की व्यवस्था किया गया है। पहले जो हम लोग की स्कूलिंग होती थी स्लेट वगैरह का था, खैर वो तो जमाना अलग है, लेकिन हम लोग क्या किया करते भाई पेंसिल वगैरह से पढ़ते थे, इसे ब्लेड लेके ये सब पेंसिल छीलते रहते थे, टाइम मिलता था तो आम का टिकोरा वगैरह छीन लेते थे। स्कूल से इसीलिए भाग जाते थे कि ये सब गेम हमको खेलने को घर पे मिलता था, स्कूल में ये सब गेम की सुविधा नहीं थी। जबकि हम लोग को क्या पसंद था, हम लोग को ये सब गेम पसंद थे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, उसे पढ़ाई से ज़्यादा छोटी सी उम्र में गेम खेलना ही ज़्यादा पसंद आता था। हालांकि उस वक्त आप बचपन में देखिएगा तो कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा गेम से लगाव हो जाता था। बचपन में आप लोग मोर पंख रखे होंगे अपने कॉपी किताब में, कवर जब चढ़ाते होंगे किताब पे तो बहुत ज़्यादा लगाव होता होगा, पेंसिल छील के उसके छिलका को हम लोग दूध में रखते थे कि ये रबड़ बन जाएगा, बाद में पता चला ये अफवाह है।
तो लड़कों के इन्हीं हैबिट को देखते हुए गवर्नमेंट क्या कर रही है, कह रही है कि लड़कों को आप 3 साल में ही आप स्कूल में डाल दीजिएगा। और लड़कों का जो 3 साल के बच्चे होंगे ना, ये छोटका छोटका, ये सबका स्कूल इस तरह से होगा। अब वो क्या करेंगे, स्कूल जाएंगे, अपने कपड़े को गंदा करेंगे, खेलेंगे, मिट्टी भरना है, जो काम करना है वो खेलेंगे सब। इनको पेंटिंग सिखाया जाएगा, जो मन वो ड्रेस पहन के आ जाओ भाई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं रहता है। इनको खेलने कूदने के लिए हर सुविधा दिया जाएगा, पेंटिंग करना है जो मन वो करो। शुरुआत के 3 साल तुम्हें पढ़ना नहीं है, जो तुम अपने घर में रहते थे और मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलते थे, अब तुम स्कूल में आओ और स्कूल में खेलो। और टीचर्स को भी ट्रेनिंग ऐसे दिया जाएगा, जिस तरह से एक गार्जियन बच्चे को खिलाता है, उस तरह से टीचर उन बच्चों को खिलाएंगे। स्कूल में काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे खेलने कूदने के लिए अब रहेंगे हर एक पूरे इंडिया में। पहले आप देखे होंगे कि दिल्ली में इस तरह की काफी ज्यादा शुरुआत की गई थी। अब ये 5+3+3+4 क्या है, इसको समझिए। 5 का मतलब है कि 5 साल का एक प्रोग्राम रहेगा। ये 5 साल आपके एज को नहीं दर्शा रहा है, ये इस एज को दर्शा रहा है कि 5 साल तक आपको स्कूल में रहना है, फिर अगले 3 साल भी, फिर अगले 3 साल, फिर ये, यानी ये जो नंबर है ये दिखा रहा है कि आप स्कूल में कितने साल को बिताएंगे। तो शुरुआत का जो 5 साल रहेगा, इसमें देखिए इस हिसाब से तो आपकी स्कूलिंग 3 साल पर ही स्टार्ट हो जाएगी। अब वो 3 साल की जो स्टार्ट करेंगे, तो 3 साल की उम्र में, तो ये जो होगा ये पहला स्टेज 5 साल का एक प्रोग्राम बनाया जाएगा, जिसे कहा जाएगा फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में लड़के को हम लोग एंट्री करा देंगे 3 साल के उम्र में ही, और फाउंडेशन स्टेज की पढ़ाई चलेगी अगले 5 साल तक, इसीलिए इसे कहा गया 5। अब ये 5 साल जो होगा ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। शुरुआत का 3 साल प्ले स्कूल, वही लड़का केवल जाएगा स्कूल, खेलेगा, कपड़ा गंदा करेगा, पेंटिंग करेगा, मतलब उसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, वो केवल स्कूल जाएगा खेलने के लिए खुश होकर। और उसको 3 साल जब खत्म होगा तो उसको क्लास 1 में भेजा जाएगा, यानी अगला जो 2 साल अब वो पढ़ाई में जाएगा, क्लास 1 और क्लास 2 को करेगा। तो 3 साल खेला और फिर क्लास 1 क्लास 2 किया, और उसको पता ही नहीं चलेगा कि हम कब क्लास 1 में गए और कब क्लास 2 में, क्योंकि उससे कोई भी टाइप का एग्जाम नहीं लिया जाएगा। तो इससे उसको स्कूल जाने का डर ही नहीं रहेगा। और टीचर्स को एकदम खास इस बात का ट्रेनिंग दिया जाएगा कि आप लड़कों पर दबाव न डालें, अभी लड़कों को स्कूल से लगाव करिए। तो स्टेज पहला जो था ये 5 साल वाला वो समझ गए। अब इसके बाद लड़का जाएगा इस स्टेज में जाएगा, तो आप बताइए वो तो इस 5 वाला जो कैटेगरी था इसी में वो क्लास 1 और क्लास 2 कर लिया और पास भी हो गया, एग्जाम हो गया ही नहीं तो पास तो हो ही जाएगा, यानी इस वाले में आएगा तो वो क्लास किस में पहुंच गया, 3 में। अब इसे कहा जाएगा, ये वाले का जो नाम दिया जाएगा उसे दिया गया है प्रीपरेटरी स्टेज। प्रीपरेटरी स्टेज में आपको 3 साल रहना है, तो 3 साल रहेंगे तो जेन्युइन है कि 3 क्लास आप पास हो जाएंगे। तो कहाँ से अब इसमें स्टार्ट कीजिएगा, 1 और 2 तो वहीं पार हो गए, तब इस स्टेज में आपको 3 साल रहना है तो कौन कौन से क्लास हो जाएंगे, क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5, ये समझ में आ गया आपको, इस स्टेज में रहना है। अब यहाँ पर इस तरह से एजुकेशन को डिजाइन किया जाएगा कि लड़के को कुछ एक्टिविटी भी कराते रहिए और उसे पढ़ाई से अब रूबरू भी कराइए। अब उसे पोएम्स याद करने को दीजिए और भी कई चीज़ों को स्टडी से अब धीरे धीरे उसे जोड़ते रहिए। अब यहाँ पे ये समिति ने कहा जो मेन बात, कि इसकी जो पढ़ाई होगी वो लैंग्वेज पे जो होगा वो रीजनल लैंग्वेज होगा या नेशनल लैंग्वेज होगा, यानी अगर महाराष्ट्र में है तो मराठी में पढ़ाइए उसको, कब तक, क्लास 5 तक, यानी इस वाले स्टेज में, यानी क्लास 5 तक। अगर मान लीजिए पंजाब में है तो पंजाबी में पढ़ाइए, बंगाल में है तो बंगाली में पढ़ाइए, क्योंकि इस उम्र में लड़के की सीखने की जिज्ञासा अपनी भाषा में बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन ये नियम मैंडेटरी नहीं है, जिस स्कूल को मन करेगा कि नहीं तुम्हें इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना है तो आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो स्कूल, लेकिन स्कूल दबाव नहीं डाल सकते कि नहीं हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे। इससे कुछ फायदे हैं, ये कि लड़का जल्दी समझेगा, लॉस ये है कि लड़के का इंग्लिश से थोड़ा दूरी बढ़ने लगेगा। अगर इंग्लिश को हम छोड़ देंगे तो आगे जाके काफ़ी लॉस होगा। अमेरिका में आज भी इंडियन सॉफ्टवेयरों को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ का छोटा मोटा आदमी भी टूटी मोटी इंग्लिश बोल देता है, जबकि चाइना में कर्नल रैंक का अधिकारी अंग्रेजी नहीं बोल पाता है, क्योंकि उन्होंने यही गलती कर दिया, उन्होंने अपनी ही भाषा में करने लगे। तो इसको देखिए सरकार ने दोनों रास्ते अपनाए हैं, कि जिन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है वो इधर चले जाए और जिन्हें रीजनल करना है वो रीजनल में आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने एक रीजनल चाइना की तरह रास्ते बंद कर दिए, नहीं आपको रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ना है, वहाँ यही हाल होता है। आज भी वर्ल्ड लेवल में हम चाइनीज से केवल एक मामले में आगे हैं, वो ये है कि विदेश में नौकरी लेने की, विदेश में कोई चाइनीजों को नौकरी नहीं देता है, क्योंकि उसने शुरू से अपनी भाषा में चाऊ चू पढ़ा है, वहाँ कोई क्या कर रहा है उसको समझ में नहीं आता है। इंडिया वालों को कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी थोड़ा मोड़ा इंग्लिश समझ जाता है। तो इसी पर लेकर थोड़ा सा घमासान है, और ये घमासान क्यों हो रहा है
हमको नहीं समझ में आ रहा है, भाई साहब जब गवर्नमेंट कह ही रही है कि ये जरूरी नहीं है लेकिन हाँ आप इसे रीजनल में उपलब्ध कराएंगे। इस जो स्टेज है, ये स्टेज, इसमें लड़का क्लास 5 तक रहता है और इसी स्टेज में उसको एग्ज़ाम देना है, यानी इसमें क्लास 3 में एग्ज़ाम शुरुआत होंगे, मतलब एग्ज़ाम की शुरुआत अब नर्सरी से नहीं होगी बल्कि क्लास 3 से उसमें एग्ज़ाम देने उसे चालू किया जाएगा और उसे पढ़ाई से अब धीरे धीरे जोड़ दिया जाएगा। अब इसके बाद स्टेज आता है अगले 3 साल का प्रोग्राम। अब जब ये अगला 3 साल का प्रोग्राम रहेगा तो फिर तो लड़का 3 क्लास को पार करेगा, 3 साल एक क्लास में नहीं बैठा रहेगा, तो कोई ना हर साल क्लास क्रॉस करेगा। तो ये जो उसका ये सेकेंड स्टेज था इसी में लड़का 5 तक कर लिया है, तो इस स्टेज में इंट्री कहाँ से मारेगा, क्लास 6 से मारेगा। तो इसे नाम दिया जाएगा हम मिडिल स्टेज, ये भी 3 साल का है। इंट्री कहाँ से मारा, 6, 7, 8, यानी यहाँ तक में इस स्टेज में लड़का क्या करेगा, इस 3 साल में वो क्लास 6, 7, 8 को पास करेगा। एग्जाम तो चालू हो गए हैं क्लास 3 से ही। इसमें क्या दिया जाएगा, ये काफ़ी चेंजिंग किया गया है, लड़के को कंप्यूटर नॉलेज दिया जाएगा, कोडिंग सिखाया जाएगा। कोडिंग मतलब होता है सॉफ्टवेयर वगैरह कैसे बनाना है, मतलब एकदम अब क्लासिक से सॉफ्टवेयर नहीं बनाने लगेगा लेकिन उसे कंप्यूटर का नॉलेज अब दिया जाने लगेगा। और इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने कई प्रोग्राम भी बनाए हैं जो फॉरेन स्कूल्स में चलाए जाते हैं। साथ ही यहाँ वोकेशनल कोर्स चलाए जाएंगे। वोकेशनल कोर्स एक तरह का टेक्निकल कोर्स होता है, जैसे कोई लड़का इस स्टेज में आ गया इस वाले 3 ईयर वाले प्रोग्राम में, यानी वो या तो 6 में होगा या तो 7 में या तो 8 में होगा। अब वो लड़का को मन है कि वो सीखना चाहता है कि चौकी पलंग बेंच वगैरह कैसे बनाया जाता है, कारपेंटर का काम सीखना चाहता है, तो नो डाउट वो वोकेशनल कोर्स के थ्रू सीख सकता है। अगर कोई लड़की है उसे शौक है कि खाना बनाने के लिए सीखना है, अगर उसे शौक है कि सिलाई कैसे करना है तो वो भी सीख सकते हैं, उसमें भी उसको मार्क्स मिलेंगे, तो ये काफ़ी बढ़िया है। किसी को मछली पालन सीखना है, किसी को बढ़ई का काम सीखना है, मतलब जो काम सीखना चाहे आप सीख सकते हैं। किसी लड़के को शौक है, जैसे हम क्लास 4 में थे तो नम्रता मैडम थी, नम्रता ग्रेस परमार, तो उन्होंने हमको फर्स्ट एड सिखाया था कि कैसे पट्टी बांधा जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो हम छोटे थे तो दादाजी को कुछ हुआ भी नहीं रहता था तो उनको ले आके एक पट्टी बांध देते, देखिए हमको पट्टी बांधना सिखाया गया, तो काफ़ी अच्छा लगता है उस समय, क्योंकि उस समय आपको ये नहीं रहता है कि नौकरी क्या चीज़ होती है, जिम्मेदारी क्या चीज़ होता है, वो जिंदगी एक राजा की जिंदगी होती है, कोई टेंशन ही नहीं रहता है। तो उसी के हिसाब से लड़के की दिलचस्पी कहाँ है वो उस अपने हिसाब का वोकेशनली कोर्स में चला जाएगा, और इसके बदले उसको क्या मिल जाएगा भाई, मार्क्स भी मिलेंगे सब, उसमें क्या दिक्कत है। और मैथ की जो पढ़ाई जैसे हम लोग 6, 7 में किए थे, साइंस और आर्ट्स वो भी किया जाएगा, जैसे था वैसे ही चलते रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि आप मैथ साइंस सोशल साइंस के अलावे आप इंडिया की कोई लैंग्वेज को भी पढ़ना पड़ेगा आपको, जैसे मान लीजिए आप संस्कृत ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, मैथिली भाषा ले सकते हैं, मतलब इंडिया में जितनी भाषा है उसमें इंडियन लैंग्वेज में से आपको एक तो भाषा पढ़ सकते हैं। यहां तो आप ये वाला भी स्टेज अब समझ गए, अब आप जा रहे हैं इसके अगले स्टेज में, यानी ये वाले में। अब यहां बताइए इसमें आपको 4 साल रहना है और वहाँ आप 8वीं तक पढ़ चुके हैं, इस स्टेज में आप 8वीं क्लास तक पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से एंट्री कहाँ से मारेंगे, 9, 10, 11, 12, ये चौथे वाले में स्टेज में एंट्री करेंगे। इसको समझते हैं, अब ये वाला हो गया स्टेज, इसे कहा जाएगा सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में आपको 4 साल रहना है और 4 क्लास आप पार करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 9th से लेकर 12th तक। इसमें एक बड़ी चीज़ क्या कर दिया गया है कि आपको एग्ज़ाम अब साल के लास्ट में नहीं देना पड़ेगा, अब आपको जो एग्ज़ाम देना पड़ेगा वो सेमेस्टर वाइज हर 6-6 महीने पे आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। ऐसे देखेंगे तो 4 क्लास पार करने में 4 एग्ज़ाम देना है, लेकिन अब इसी 4 क्लास को पार करने में 8 एग्ज़ाम देने हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि लड़कों में एक एग्ज़ाम के प्रति डर रहेगा और वो जल्दी पढ़ाई करेंगे, वरना अमूमन यही देखा जाता था कि फाइनल एग्ज़ाम फरवरी मार्च में होते थे तो लड़का जनवरी से पढ़ना चालू करता था, प्रेशर उसको उस वक्त आता था। अभी 6-6 महीने से एक थोड़ा सा फायदा यही रह जाएगा लड़कों में। और इसमें जो बात है कि उसको स्ट्रीम नहीं चुनना पड़ेगा, जैसे आप 10th पास करते थे तो आपसे पूछा जाता था 11th में जाएंगे इंटर में तो आप साइंस से पढ़ेंगे कि कॉमर्स से कि आर्ट्स से, अब वो सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। अब क्या किया गया, स्ट्रीम हटाकर मल्टीपल सब्जेक्ट, जैसे मान लिया कि कोई लड़का गया उसने 9th पास किया 10th में या 10th पास करके इंटर में गया, तो उसको क्या करना है, सब्जेक्ट लेना है। अब मान लीजिए उसका मैथ अच्छा है तो मैथ ले लिया, साथ ही उसकी दिलचस्पी बायोलॉजी में है तो बायोलॉजी ले लेगा, और इसके अलावा उसको भूगोल पढ़ने में बहुत शौक है तो ज्योग्राफी भी ले लिया। अब कोई मतलब नहीं, कोई लड़का आया तो बायोलॉजी ले लिया, इतिहास ले लिया, फिर उसको कॉमर्स में भी मतलब है तो अकाउंटिंग ले लिया, यानी कॉमर्स से अकाउंट ले लीजिए,
साइंस से आप बायोलॉजी केमिस्ट्री ले लीजिए, उधर मैथ ले लीजिए, मन करते हिंदी ले लीजिए। अब ये नहीं है कि आप किस स्ट्रीम के हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन किया गया है। हम लोग के वक्त में ये नहीं था, हालांकि हम जो पढ़ाई किए हैं 10th तक तो CBSE बोर्ड से किए हैं, उसके बाद से 12th साइंस से कर दिए, फिर BSc इंग्लिश ग्रेजुएशन कर लिए, इंग्लिश मीडियम ही होता है BSc, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऑनर्स था। उसके बाद PG में हम ज्योग्राफी ले लिए, PhD में हम इन्वायरमेंटल साइंस, तो हम तो खुद ही खिचड़ी ही लेके पढ़े थे। हम कहीं जाते थे लोग कहते थे कि अजीब नज़र से हमको देखते थे, कैसे पढ़ाई की हो, खिलवाड़ की हो क्या? हम कहे भाई साहब खिलवाड़ नहीं किए, पूरी दुनिया ऐसे ही पढ़ती है। और पढ़ाते वक्त में भी आप देखिए, हम BSc किए हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, नक्शा पढ़ाते हैं, तो पटना में लोग कहते थे कैसे पढ़ा सकते हैं, BSc किए हैं, साइंस के स्टूडेंट कभी भूगोल पढ़ा सकता है? अरे भाई अब नींद से जगे, अब समझ में आ रहा है ना, अब कोई भी पढ़ा सकता है। तो हम लोग तो भाई बहुत पहले कर लिए, वो लग बाई चांस था। लेकिन अब आप सब लोग को ये सौभाग्य मिलेगा कि आपकी जो दिलचस्पी है वो लीजिए। होता क्या था, कभी लड़कों को साइंस बहुत अच्छा था, बायोलॉजी अच्छा था, केमिस्ट्री अच्छा था, लेकिन उसको मन था कि नहीं हम पॉलिटी भी पढ़े, लेकिन वो क्या कर सकता, नहीं पढ़ सकता, अब वो पढ़ लेगा, अब उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सब्जेक्ट जो चॉइस करना था वो पहले आपको क्या था कि मैट्रिक तक आप सबका एक ही सब्जेक्ट रहता था, सबको मैथ पढ़ना है, सबको साइंस पढ़ना है, सबको जो मतलब एक कॉमन सब्जेक्ट रहता था, 12th में जाके चेंज होता था। अभी वो चीज क्या हो जाएगी, इसी सेकेंडरी स्टेज यानी 9th से ही आपको जा सकते हैं। और अब तो आपको स्ट्रीम के रहे ही नहीं कि साइंस के है कि कॉमर्स है, मन करे तो कहीं से ले लीजिए, दो सब्जेक्ट कॉमर्स से ले लीजिए, एक तो यहां से एक तो यहां से, मतलब एकदम खिचड़ी बफर सिस्टम बना दिया, यहां से जाइए ऐसे ऐसे ले लीजिए, जो मन वो जो आपको अच्छा लगे। और इस स्टेज में जो लड़कों की जो पढ़ाई का लेवल रहेगा वो क्रिटिकल थिंकिंग रहेगी, यानी लड़कों में ये रटंत विद्या नहीं रहेगी कि गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन किया, बेलगाम अधिवेशन किया, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया, दुनिया ये सब नहीं रहेगा। आपको इस तरह से डिसाइड किया जाएगा, इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आप में थिंक डेवलप हो कि अगर गांधी जी नरम दल ना होकर गरम दल वाले रहते तो क्या होता, अगर गांधी जी जैसा कोई मतलब आंदोलनकारी नहीं आया रहता तो क्या हो सकता था, इस तरह से आपको थिंक बिल्ड की जाएगी। अब ये डिपेंड करेगा कि NCERT किस तरह से इसके सिलेबस को डिसाइड करती है, इस पर गवर्नमेंट आगे एक्शन लेती रहेगी। और इसमें एक और चीज़ क्या खासियत बना दिया गया है कि इसमें जो फॉरेन लैंग्वेज भी आप पढ़ सकते हैं, आपका मन आप जर्मन पढ़िए, चाइनीज पढ़िए, रशियन पढ़िए, जो मन आप इसमें एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं। इंडिया चाइना के विवाद को देखते हुए इंडिया गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि नई शिक्षा पॉलिसी में हम जो फॉरेन लैंग्वेज है उसमें जो चीन की मंडारिन भाषा है उसको शामिल नहीं करेंगे। हालांकि हमारे हिसाब से ये डिसीजन उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ के स्टूडेंट चाइनीज भाषा को पढ़ते तो वो चाइना की चीज़ों को अच्छे से समझ सकते थे, वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, वहाँ की नीतियों को समझने में उन्हें आसानी होती और हमारा ही वहाँ से व्यापार बढ़ता। तो ये हम लोग ने जो इस टेंशन के वजह से ये जो डिसीजन लिया, हमारे ख्याल से ये डिसीजन उतना अच्छा नहीं है। विवाद के बावजूद हमें उनका भाषा पढ़ना चाहिए, वो भी चाइनीज लोग हैं जो हमारे इंडियन भाषा को पढ़ते हैं। बट हमको ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद जब ये टेंशन जो इंडिया चाइना का खत्म होगा तो गवर्नमेंट फिर इसमें थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चाइनीज भाषा को कर देगी। आगे आप क्या सोचते हैं इसको कमेंट करके बताइएगा कि ये गवर्नमेंट का डिसीजन सही है या इसको दोबारा सोचना चाहिए। तो हर स्टेज के कुछ अपने विशेषता है, जैसे इसमें आपको फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर वाला जो 3 साल वाला स्टेज था उसमें आप एक इंडियन लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, इससे पहले वाला जो स्टेज था उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो इससे पहले वाला स्टेज में जो ये वाला 3 वाला था इसमें आपको क्या था, एग्जाम स्टार्ट हुई थी। और जो शुरुआती 5 वाला स्टेज था उसमें तो भाई टेंशन है नहीं, कोई मतलब नहीं, स्कूल में जाके खेलो बढ़िया से। अब क्या होगा, जो छोटका लड़का आएगा सब अब जल्दी जल्दी उठेगा सब, अब भागेगा सब कि स्कूल जाना है हमको, पहले डरता था सब अब स्कूल जाएगा सब, क्योंकि उसको प्ले स्कूल ले जाना है। तो इस 5 वाले में क्या है कि आपका एग्जाम नहीं होगा, इस 3 वाले में आपकी एग्जाम स्टार्ट होगी, इस 3 और ये वाला 3 वाले की एक और विशेषता कि आपकी पढ़ाई आपके रीजनल लैंग्वेज में होगी, मन है तो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़िए। इसमें क्या हो जाएगा कि भाई आपको एक इंडियन लैंग्वेज पढ़ना है, और इस वाले में आपको क्या हो जाएगा कि आपका मन है तो आप एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो चेंजिंग किया गया, आप ये समझ गए ना, 3+5+3+3+4 यानी ये वाले भी जो पैटर्न जो अभी बना है वो जहाँ जाके कहाँ खत्म हो रहा है, 12th क्लास में भी खत्म हो रहा है, लेकिन ये स्टार्ट पहले से ही हो जा रहा है 3 साल से। और ये पुराना वाला भी 12th पे जाके खत्म हो रहा था लेकिन ये स्टार्ट हो रहा था 6 साल से। अब लड़कों के दिमाग में आप लोग के मन आ रहा होगा कि ग्रेजुएशन और PG वगैरह वाले में क्या होगा, ग्रेजुएशन को समझिए ध्यान से। ग्रेजुएशन जो है अब कर दिया गया है 4 साल का, अब जो ग्रेजुएशन आएंगे 4 साल के हो जाएंगे। ग्रेजुएशन आप पहले जो पैटर्न था ग्रेजुएशन का वो 3 तरह के ग्रेजुएशन थे, यानी अगर आर्ट्स लिए हैं तो आप BA कहलाएंगे, और साइंस लिए हैं तो BSc, और उसके बाद से BCom कॉमर्स लिए हैं। हम लोग के समय सर बोलते थे कौन BCom ले लिया रे बिना काम का, काम अभी सब नहीं चलेगा, ये सब उल्टा सीधा अब नहीं होगा,
यहाँ पे। अब ये सब तो सिस्टम में खत्म हो गया, अब आप सिंपल क्या कहलाए जाएंगे, ग्रेजुएट कहलाएंगे, ग्रेजुएशन, क्योंकि स्ट्रीम रहा ही नहीं। आप मेरा मन तो हम अकाउंट ले लेंगे, उधर से बायोलॉजी ले लेंगे, इधर से भूगोल ले लेंगे। आप बोलिए ना, हम बीए में भूगोल ले लिए तो कहेंगे बीए, फिर कहेंगे बायोलॉजी लिए तो कहेंगे दादा बीएससी हो गया, फिर कहेंगे अकाउंट लिए तो कहेंगे बीकॉम हो गया। तो अब ये सब का तो झमेले खत्म हो गया यहाँ पे, अब आप सीधे क्या कहलाएंगे, ग्रेजुएट कहलाएंगे। अब ये 4 साल का कर दिया गया और बहुत बेहतरीन किया है। देखिए ध्यान से इसको, बारीकी से समझिए। अगर आप फर्स्ट ईयर पास कर गए पहला साल, तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर लिखा रहेगा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, अब ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। और उसके बाद आप अगर सेकेंड ईयर भी पढ़ लिए तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें लिखा रहेगा ग्रेजुएट डिप्लोमा। अब कभी कभी क्या होता है, किसी की पैसे का प्रॉब्लम हो जाता है, उसकी पढ़ाई छूट जाती है। तो मान लीजिए कोई लड़का ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में पढ़ाई छूट गया और कहीं उसकी वैकेंसी निकली, तो वो कहेगा कि हम सेकेंड ईयर पढ़े हैं, थर्ड ईयर नहीं पढ़े हैं, तो कहेगा भाग फाड़ के फेंक जाएगा, भूजा खा ले में लपेट के, 2 साल पढ़ के कोई फायदा नहीं, 1 साल का ही नहीं किया। तो अब ये चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है, यानी अगर आप ग्रेजुएशन 1 साल भी किए ना, तो उस 1 साल का भी वैल्यू है, उसका नाम रहेगा सर्टिफिकेट। अगर आप 2 साल करके छोड़े हैं तो उसका नाम रहेगा डिप्लोमा। आप और पढ़ना चाहते हैं, ग्रेजुएशन से थर्ड ईयर भी जाते हैं, तब आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर लिखा रहेगा ग्रेजुएशन डिग्री, लिखा रहेगा डिग्री। अब उसके बाद मान लिया कि आप और पढ़ना चाहते हैं, आप पूरा 4 साल करना चाहते हैं, तो उस पर लिखा रहेगा ग्रेजुएशन रिसर्च, समझ गया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मान लीजिए कि कोई वैकेंसी आई और उस पर लिखा है कि ये वैकेंसी का फॉर्म भरने वाला व्यक्ति ग्रेजुएट होना चाहिए, तो आप सोचेंगे इसे जरा कौन वाला ग्रेजुएट है, मेहती तो 4 कैटेगरी है। तो अब आप अगर कोई जॉब में जाना चाहते हैं या यूपीएससी बीपीएससी का कंपटीशन जिसमें ग्रेजुएट मांगता है, तो आप केवल 3 साल वाले भी इसमें जा सकते हैं, उन्हें ज़रूरी नहीं है कि आप 4 साल वाला करें। तो एक तरह से देखिए तो चेंजिंग ही नहीं हुआ है। तो वो लोग जो केवल ग्रेजुएशन इसलिए करते हैं कि उन्हें नौकरी के लिए एलिजिबल बनना है, वो केवल 3 साल वाला कर सकते हैं। लेकिन वह लड़के जो पढ़ाई को आगे रखना चाहते हैं, उन्हें ग्रेजुएशन 4 साल वाला करना होगा, तो उनके सर्टिफिकेट पे क्या लिखा रहेगा, ग्रेजुएशन रिसर्च। अब एक चीज़ और जो इसमें सबसे बड़ी विशेषता है, वो री एंट्री की है। मान लिया कि हम 2 साल तक ग्रेजुएशन करके छोड़ दिए, चले गए, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन हम कहीं काम पे चले गए और हमारे पास पैसे आ गए, लेकिन 4 साल के बाद हमको पैसे आए, तो हम फिर पढ़ने आएंगे, तो अभी जो व्यवस्था है पुरानी व्यवस्था, तो हमको फिर शुरू से करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर। लेकिन अब री एंट्री में सबसे बढ़िया बात क्या है कि हम तो करके गए थे ग्रेजुएशन 2 साल, तो हमारे पास सर्टिफिकेट क्या है, ग्रेजुएशन डिप्लोमा का। अब हम कहेंगे कि भाई साहब हमको पैसा नहीं था उस टाइम, या हमको पढ़ने में मन नहीं लगा था, अब मेरा फिर शौक जगल है, हम फिर पढ़ेंगे। तो अब की जो पढ़ाई होगी हमारी थर्ड ईयर से शुरू होगी, और हमको सर्टिफिकेट तो ये 2 तो मिल ही चुका है, और फिर यहाँ से मिलेगा। मतलब आप अगर पढ़ाई को कहीं ड्रॉप कर दिए हैं और अगर 10 साल बाद भी आते हैं ना, तो जहां से ड्रॉप किए हैं वहीं से पढ़ना पड़ेगा, ये फायदा। और एक और फायदा कि आप जितना पढ़ाई किए हैं उतने का वैल्यू मिलेगा। अब कोनो कहेगा सर जी 1 महीना क्लास करके छोड़ देंगे तो 1 महीना का देगा, आप इतना खिलवाड़ मत कीजिए भाई, कम से कम 1 साल तो कंप्लीट कीजिए। अब इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होगा, फिर बता दिए भैया। पोस्ट ग्रेजुएशन जिसे आप पीजी कहते थे, पहले जब स्ट्रीम होता था तो इतिहास भूगोल वाला एमए कहलाता था, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला एमएससी कहलाता था, और ये सब कॉमर्स वाले लोग को एमकॉम होता था। अब तो ये ख़त्म हो गया, अब पता नहीं चलेगा कौन किसका है। अब इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएशन का पोस्ट सिलेबस है, वो या तो 1 साल का होगा या तो 2 साल का। जो ससुरा 4 साल वाला ग्रेजुएशन किया है, तो ना कोई 21 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, बढ़िए है। और जो 3 साल का डिग्रिया लेके भाग गया तैयारी करने के लिए, अगर वो चाहता है कि नहीं हम पीजी करें, तो सरकार कहेगी बाप रे बाप फायदा उठाएगा, तब तक 2 साल वाला कर। यानी ग्रेजुएशन और पीजी में इस वक्त करने में 5 साल लगता है, नया चेंजिंग आने के बाद भी 5 साल लगेगा। अगर आप यहाँ 4 साल किए हैं तो यहाँ 1 साल कीजिए, यहाँ 3 साल किए हैं तो यहाँ 2 साल कीजिए। अब आप कहेंगे कि यहाँ 2 साल किए हैं तो हाई चल जाए, तो हेल जाइएगा का इसे यहाँ पे, अरे भाई कम से कम डिग्रियाँ तो लेंगे ना। इसके बाद जो एमफिल का पोस्ट था, एमफिल की डिग्री को ख़त्म कर दिया गया। पीएचडी है जो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, पीएचडी अब 4 साल का होगा, इसमें कुछ खास चेंजिंग नहीं किया गया है। अब इसके सिलेबस कैसे कैसे होंगे ये गवर्नमेंट आगे जो बताएगी, तो हम बता देंगे कि किस तरह से सिलेबस क्या होगा इसमें, सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा में मतलब क्या क्या पढ़ाया जाएगा, उसको तो आगे का चीज़ है। अभी गवर्नमेंट इसमें बहुत कुछ नहीं बताई है, केवल अपना फॉर्मेट दिया है जिसको हम आपको समझा दिए। ये नियम लागू होने वाले हैं 2022 से, अभी किसी को कोई टेंशन
लेने वाला नहीं है, क्योंकि अभी कोरोना है, फिर अभी गवर्नमेंट को भी इसको तैयार करने में काफ़ी टाइम लगते हैं, ऐसा थोड़ी है पापड़ तल रहे हैं, दाय दे हो गया यहाँ पर कुछ। आप इसके समझते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव थिंग्स, देखिए इसकी पॉजिटिव थिंग क्या है कि इसमें GDP का 6% कहा गया है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अब ये जब दे दिया जाएगा तभी आप कन्फर्म समझिएगा कि अभी तो हम लोग GDP का 3% लगभग में यूज़ कर रहे हैं, वो भी पूरा 3% नहीं है। तो 3% की जगह आप ऐसा सोचिए ना कि जितना हमारा बजट है उसका डबल शिक्षा पर बजट आएगा, तो काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा ये चीज़, तो ये बहुत अच्छा है। दूसरा इसमें सबसे बेहतर क्या किया गया है कि स्कूल की जो फीस रखते थे ना प्राइवेट वाले, पता ही नहीं चलता था, जो कोनो स्कूल वाला ऐसा भी थे साहब कि उन सब का सालाना फीस था 3 लाख 4 लाख, ऐसा स्कूल थे सब। तो गवर्नमेंट कह दिया कि भाई साहब देखिए हम स्कूलों की जो प्राइवेट स्कूल है उनकी कैटेगरी बना देंगे कि इस कैटेगरी का स्कूल है और मैक्सिमम इतना ही फीस रख सकता है, अब उससे कम हो सकता है ज़्यादा नहीं। जैसे आप किसी चीज़ की MRP ले आने जाते होंगे, किसी चीज़ को सामान खरीदते हैं उसमें एक MRP लिखा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे कम ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा तो जो आप केस हो जाएगा। तो स्कूल की जो मनमानी फीस चलती थी अब गवर्नमेंट क्या है कि उसको फिक्स कर देगा। अब क्या होगा कि गवर्नमेंट को वोट मांगने जाना है, इसलिए गवर्नमेंट जो वोट मांगने जाएगी तो ज़्यादा फीस यहाँ से अलाउ नहीं करेगी, नहीं तो प्राइवेट स्कूल वाला कहेंगे सर तब ना कि हम क्या करें, गवर्नमेंट नहीं बोला है कि इतना फीस लेना है। अभी तो प्राइवेट वाला कहते हैं कि भाई पढ़ाना है तो पढ़ाइए, नहीं तो मत पढ़ाइए। तो अब गवर्नमेंट फिक्स कर देगी कि भैया आप कितने भी बड़े स्कूल वाले हैं एक फिक्स, अब ये कितना करेगी अभी बताई नहीं है। उसके अलावा जो सबसे बेस्ट हमको लगा वो वोकेशनल चीज़ लग गया कि अब लड़कों को प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत बेहतरीन है, लड़कों को प्रैक्टिकली पढ़ाया जाएगा। कैसे पढ़ाई होगी इसका हम आपको जून महीने में एक वीडियो बनाए थे, थर्मल पावर प्लांट, बिजली कैसे बनती है। आपको अगर फुर्सत मिलेगा तो इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देंगे, उसको देखिएगा। उसमें आपको बताया गया है कि एक 5 किलोमीटर स्क्वायर का पावर प्लांट जिसको आपको घूमने में कम से कम 2 घंटा लगेगा, उसे आधा घंटा 30 मिनट में किस तरह से पढ़ा के समझा दिया गया, वो चीज़ अगर आप देख लिए हैं तो आप अगर ओरिजिनल पावर प्लांट भी देखिएगा ना तो कमोबेश वैसा ही मिलेगा, मतलब 98% वैसे ही मिलेगा, क्योंकि थोड़ी चेंजिंग आ जाती है, मतलब वो उसी ढंग से अब पढ़ाया जाएगा कि लड़कों को एकदम विजुअली दिखाकर। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब आगे की पढ़ाई कैसे होने वाली है। वोकेशनल कोर्स के बाद जो रिजल्ट दिया जाएगा इसमें तो गजब की चेंजिंग कर दिया गया। अब आपका रिजल्ट केवल इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, कितना नंबर आप लाए हैं, इसके अलावे डिपेंड करेगा आप अपने आप को कितना नंबर देते हैं, यानी आपके सामने पूछा जाएगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आप टाइम टेबल को कितना फॉलो कर लेते हैं, आपको कोई काम दिया जाता है आप उसको कितनी जिम्मेदारी से लेते हैं, यानी आपको सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि ऐसा देखा गया कि जब लड़के की पढ़ाई खत्म हो जाती है, ग्रेजुएशन या कुछ भी हो जाता है, नौकरी भी हो जाती है, तो उसके बाद उसको रिजल्ट देने वाला कौन होता है, कौन उसको असेसमेंट करता है, वो खुद से करता है कि मेरे लिए ये सही है या गलत। तो हम वो डिसीजन वहाँ लेना शुरुआत करते हैं, तो अभी से ये शिक्षा नीति से क्या होगा, हम खुद से डिसीजन लेना चालू करेंगे, तो बचपन से ही आदत हो जाएगा हमें अपने आप को संभाल के रखना। इसके अलावा मार्क्स में ये भी ध्यान दिया जाएगा कि आपके क्लास के जितने स्टूडेंट हैं वो आपको कितना मार्क्स देते हैं, इसके लिए एक क्राइटेरिया बनाई जाएगी कि जितने स्टूडेंट हैं किस तरह से वो ग्रेडिंग करेंगे आपको। इससे ये फायदा होगा कि आप अपना नंबर अच्छा बनाने के लिए अपने दोस्तों से अच्छा संबंध रखेंगे, और अगर आप बचपन से क्लास 12 तक अब आपको ये आदत हो गया कि नहीं भैया हमको बचपन से अपने दोस्तों से संबंध अच्छे रखने हैं, तो आपका स्वभाव बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि हर स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के प्रति इज्जत रखेगा कि भाई साहब उसको भी मार्क्स देना है हमको, तो वो आपके जो क्लास के हैं वो उन लोग को भी देना होगा, और साथ ही टीचर भी आपका नंबर देंगे कि ये लड़का अच्छा था या नहीं था। ये पांचवा जो चीज़ दिया गया कि फॉरेन यूनिवर्सिटी भी आप भारत में अपना ब्रांच खोल सकती है, जैसे ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, ये सब भी यूनिवर्सिटी आप भारत में खोल सकती है। हालांकि इसे बहुत पहले आ जाना था, जब मनमोहन सिंह थे उन्होंने ही इस प्रस्ताव को लाया था, तब उस समय BJP ने विरोध किया था कि नहीं ये भारत के लिए दिक्कत होगा। तो सोचिए अभी ये तो पॉलिटिक्स वाला चीज़ है, इसमें नहीं देखिए जो भी पक्ष में रहता है विरोध करता ही है। उस वक्त जो प्लान थी वो थोड़ी सी अजीब थी, उसमें क्या कहा गया था कि जो यूनिवर्सिटी आएंगी उन्हें 50 करोड़ रुपये सिक्योरिटी मनी देना होगा। ये सही भी था एक तरह से, पता चला हमारा फीस लेके भाग गई यहाँ पे, हम कहा लंदन जाएंगे खोजने के कैम्ब्रिज किधर है या नहीं जाएंगे, तो एक सिक्योरिटी मनी का प्रोग्राम रखा गया था जिस वजह से वो लोग उतना इंटरेस्ट नहीं रहते हैं। तो अभी के में जो कहा गया कि भाई साहब आपको सिक्योरिटी मनी का झमेला नहीं है, और साथ ही वही यूनिवर्सिटी आएंगी जो इन टॉप लेवल की हैं, दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटी ही ब्रांच खोल देंगी। अब पता चला यूनिवर्सिटी ब्रांच खोलेगी, पाकिस्तान भी अपना खोल दिया इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ा, उसमें कौन सी सिखाएगा कि बम को कैसे नोचना है और कैसे फेंकना है, ये सब नहीं आएंगे सब,
टॉप 50 यूनिवर्सिटी जो दुनिया की है वहीं आ सकती है। तो ये भी बेहतर है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है उनको भी एक बढ़िया कंपटीटर मिलेगा वर्ल्ड लेवल का। तो ये सब भी मेहनत करेंगे कि हमको ऐसा बनना है। और जो चेंजिंग अच्छी की गई है वो अलग से 4 डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। वो डिपार्टमेंट 4 अलग अलग रहेंगे, उसमें एक का काम रहेगा कि सिलेबस तैयार करना, किस बच्चे को क्या पढ़ाना है। एक अलग डिपार्टमेंट रहेगा जो रेगुलरिटी काम करेगा कि किस स्कूल में टीचर कैसे कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्टूडेंट में कोई चेंजिंग तो नहीं लाना है। एक अलग डिपार्टमेंट रहेगा जो उन लोग को मतलब सैलरी देगा, जो टीचर्स हैं या जो स्टूडेंट हैं उनको अलग से स्कॉलरशिप दिया जाएगा जो गरीब स्टूडेंट है, ताकि वो अच्छे से पढ़ सके, जो अच्छे स्टूडेंट हैं उन्हें रिसर्च में पैसे दे सके। और एक अलग डिपार्टमेंट रहेगा जो रिजल्ट निकालने की व्यवस्था कर सके। जैसे आप स्पेशली बिहार में देखे होंगे तो बहुत गलत क्या होता है कि लड़का अगर मुजफ्फरपुर का है तो उसे पता चल गया कि मेरी मैट्रिक की कॉपी दरभंगा गई है चेक होने के लिए। अब क्या करेगा, वो ट्रेन पकड़ के दरभंगा पहुंच जाएगा कोने कॉलेज में, मास्टर साहब 500 रुपया ले लीजिए, हमारा नंबर पास कर दीजिए, ऐसा होता है वहां पर। इस चीज को तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। लड़का को क्या जरूरत है बताने का कि तुम्हारी कॉपी कहां चली गई, तुमको इससे क्या मतलब, ये डिपार्टमेंटल काम है ना। आप थोड़ा बाहर और कहीं जगह पता करिए, नहीं पता चल पाता है। और जहां भी अगर ये पता चलता है तो एकदम ये तो आप कहिए कि खुला अपराध कर रहे हैं। आप लड़के को उत्साह रहे हैं कि तुम्हारा कॉपी हमारे पास आ गया है, आओ हमको पैसा दे। तो ये सब चीजें पे नकेल लगा दी जाएगी इसके बाद। और अभी एक और चेंजिंग जो है वो बताया नहीं गया खुल के, लेकिन हाँ, एक टीचर्स के लिए भी एक कॉमन सेंट्रल लेवल का एक प्रोग्राम होगा और टीचर्स की भी ट्रेनिंग 4 साल की होगी। उसमें टीचर्स को बताया जाएगा कि लड़के को किस तरह से समझ में आता है। आप देखे होंगे कि कुछ टीचर होते हैं जो बहुत ज्यादा जानते हैं लेकिन समझा ही नहीं पाते हैं, और कुछ टीचर ऐसे आते हैं कि सोच रहे हैं मुर्दा को भी समझा देते हैं, एकदम फटाफट समझ में आ जाता है। आप इस चीज को, इस टॉपिक को भी देखिएगा, जो चीज हम आपको बता रहे हैं कि बहुत से लोग इसको भी बताए होंगे लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते होंगे, कुछ लोग इसको बहुत सिंपल कर देते हैं। तो यही सब समझाया जाएगा इसमें कि कैसे कैसे एक टीचर्स को मतलब होना चाहिए कि बच्चे में इंटरेस्ट जगा दे। और ये हकीकत भी है, देखिए अगर कोई लड़का टॉप करता है या कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, तो ये उस लड़के की योग्यता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट क्लास में रहकर फेल हो जाता है तो इसमें टीचर की कमी है। क्यों? क्योंकि टीचर ने उस पढ़ाई को इंटरेस्ट नहीं बनाया। क्या होना चाहिए कि जो स्टडी है उसे इंटरटेनमेंट बनाना चाहिए। आप अगर अर्जुन का एग्जांपल दीजिएगा तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पढ़ाया था और पांचों पांडवों को पढ़ाया था, अर्जुन टॉप कर गए। तो ऐसा नहीं है कि बाकी भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर ये लोग चौपट हो गए, लोग ये लोग भी थे भाई, टॉप तो कोई एक ही ना करेगा। तो टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि भाई क्या है कि आपके क्लास को लड़का भाग जा रहा है। आप अपने भी स्कूल में देखे होंगे कि कुछ टीचर्स का क्लास आप छोड़ना नहीं चाहते होंगे और कुछ टीचर को देख के बुखार लग जाता होगा। यूट्यूब पर भी देखे होंगे कुछ टीचर के क्लास को आप स्किप करके भगाएंगे कि दो तरीके आधा घंटा तो दिमागे चट जाएंगे। और कुछ टीचर ऐसे भी होंगे जिनको आप देखेंगे बिना स्किप किए आपको क्लास देखेंगे, आप कहेंगे नहीं यार स्किप नहीं करेंगे, कब कौन सा अच्छा चीज पढ़ा के निकल जाएंगे, इनका क्लास एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। जो इसकी निगेटिव चीज़ है उसको समझिए क्या है कि इसमें इंग्लिश को ना थोड़ा सा तवज्जो कम देने को जोर दिया गया है। हालांकि सरकार आपको बताए हैं कि इसमें जो सुझाव दिया गया है कि वो मैंडेटरी नहीं है और इसमें कुछ खास चेंजिंग भी नहीं आएगी। जो भी प्राइवेट स्कूल है वो अभी भी इंग्लिश मीडियम को ही फॉलो करेंगे और सरकारी स्कूल कितना अच्छा पढ़ाते हैं सब आपको तो पता ही है। किसी भी सरकारी अधिकारी या बड़े घर की फैमिली या इवन नेता मंत्री के लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजें, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ भेजेंगे तो कितनी अच्छी पढ़ाई होगी। तो वाले तो इंग्लिश को रखेंगे ही रखेंगे। और क्या चीज है, इसमें एक सेंट्रलाइज कर दिया गया है। कहा गया है कि जो टीचर्स का प्रोग्राम होगा और जो सिलेबस किया जाएगा इंडिया का, वो एक सेंट्रल बॉडी उसको डिसाइड करेगी और राज्य को मानना ही पड़ेगा। तो ये हमारे संघात्मक व्यवस्था में एक चोट है। संघात्मक व्यवस्था हम आपको पॉलिटी में पढ़ाए हैं कि जहां स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी डिसीजन लेती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है। तो यहां पर हमारा जो संघात्मक व्यवस्था है उस पर एक निगेटिव असर पड़ा है। साथ ही इसमें एक और सुधार करने लायक था। हमें अपने स्टूडेंट्स को सिलेबस में ये जोड़ना चाहिए कि एक अच्छे टीचर की पहचान क्या है। जैसे अभी क्या होता है कि टीचर लोग स्कूल में आ जाते हैं, खैनी बनाते रहते हैं, कहाँ है कोई, तो टीचर लड़कों से मंगा देते हैं कि बबुआ पान लेते हो अमरीका थी। अजब हाल है बेचारे लड़के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। टीचर्स के लड़कों को भी एक तरह का आप समझिए कि किताब में लास्ट में एक पन्ना जोड़ देना चाहिए एक अच्छे टीचर की पहचान। गुटखा पान खा रहा भाई, आपको अगर खाना है आप बुरा मत मानिएगा, अगर आप खाते होंगे तो आप स्कूल के बाहर खाइए। 8 घंटे क्लास में अगर आप स्कूल के पीरियड में नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे आप वहाँ से, लेकिन आपके वजह से एक लड़के का इमेज खराब हो जाता है, वो भी सोचेगा टीचर खा रहे तो हम क्यों नहीं खाएं। दूसरा, टीचर्स का जो पहनावा ओढ़ावा है उस पर भी एक
एक इसके लिए भी एक कंडक्ट कोड होना चाहिए। आजकल क्या होता है कि जो खास करके इसे कोचिंग लाइन में हम कर रहे हैं, कोचिंग के टीचर जो होते हैं इतने महंगे कपड़े पहनने लगते हैं लोग ना, कि लड़के के अंदर एक अपने से एक तो भावना आने लगती है यार सर इतने अमीर हैं। यार एक स्टूडेंट जो होता है ना, काफ़ी मीडियम फैमिली या गरीब लड़के ही ज़्यादा पढ़ने आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो जो टीचर को देख के ना उसके अंदर एक लगने लगता है कि नहीं वो अमीर हैं, पैसे वाले हैं, इसलिए उतना पढ़ के वहाँ चले आए हैं, और हम गरीब हैं, हमारे पास उतना कपड़ा नहीं है अच्छे, तो नहीं। तो टीचर्स को भी सोचना चाहिए जो क्लास में जा रहे हैं एक सिंपल वे में जाएं, ताकि आपको लगे कि नहीं हाँ आप भी एक नॉर्मल इंसान है। बाकी आप अपने पर्सनल जिंदगी में घूमिए ना 2 करोड़ की लंबोर्गिनी कार खरीद के, कौन मना किया आपको। साथ ही आप देखे होंगे कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो क्लास में आएंगे तो अपने बारे में बताने लगेंगे, हम ये हम वो। अरे भाई साहब आप अपने ज्यादा अपने बारे में क्या जरूरत है हाँकने का, नॉर्मल चीजें बताइए ताकि लड़कों को थोड़ा बहुत इंटरटेन भी होते रहे। और अगर आप बहुत पढ़ने में अच्छे भी थे या बहुत अमीर घर के भी थे तो लड़कों के सामने इस तरह से बोलिए कि देखो भाई हम भी बहुत कमजोर थे पढ़ने में, हम भी नॉर्मल फैमिली से आते थे, हम भी मेहनत की, हम भी आगे आ सकते, तुम भी आ जाओगे। तो वहां क्या होता है फेंकने लगते हैं लोग, हम ये थे हम वो थे, इस पे भी थोड़ा गवर्नमेंट को रोक लगाना चाहिए। और गवर्नमेंट क्या रोक लगाएगी, लड़कों को दे दो कि भैया ये चीजें अगर टीचर कर रहा है तो फालतू है। साथ ही टीचर्स को एक चीज और देखे होंगे कि एक टीचर दूसरे टीचर की बड़ी बुराई करता है, अरे वो फालतू पढ़ाता है ये पढ़ाता है। अरे भाई आप कौन होते हैं बताने वाले, आप इस चीज के टीचर हैं कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है कौन खराब पढ़ा है। लड़का बेवकूफ नहीं है आज के वक्त में, वो सब देख लेता है, और भला करे भगवान यूट्यूब का। तो आज जो टीचर के बारे में लड़का पहले क्या था कि एडमिशन लेने के बाद जानता था कि ये टीचर कैसा है कैसा पढ़ाएगा, अब यूट्यूब पे ही देख लेता है कि कैसा पढ़ाएंगे। तो सरकार को क्या करना चाहिए, किताबों के पीछे कुछ ऐसे लिस्ट दे देने चाहिए कि अगर ये चीजें आपके टीचर में हैं तो समझिए कि आपके टीचर अच्छे नहीं है, ये डी ग्रेड के चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि वो टीचर को भी समझ में आएगा भाई साहब हर किताब के पीछे लिखा हुआ है कि गुटखा खाने वाला टीचर फालतू होता है। अब क्या होगा, उनको मन भी रहेगा ना, तो गेट के बाहर खाएंगे थूक थाक कहेंगे हमको डी ग्रेड का घोषित कर देगा। इससे क्या होता है कि टीचर्स के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक एक सामाजिक प्रेशर पड़ेगा और वो लड़कों के प्रति एक अच्छा व्यवहार करेंगे। वो जमाना गया जब द्रोणाचार्य और अर्जुन का रिलेशन, आज के वक्त में एक अच्छा टीचर वही है जो लड़के को एकदम फ्रेंडली व्यवहार करके पढ़ा सके। वरना अगर लड़के के अंदर ये भावना आ जाएगी कि ये मेरे टीचर हैं तो वो खुल के सवाल ही नहीं पूछ पाएगा। स्टूडेंट का लेवल नीचे होता है और टीचर का लेवल ऊपर होता है, अगर वो अपने लेवल से पढ़ा देगा तो इसको समझ में नहीं आएगा। तो करना क्या चाहिए कि टीचर्स को अपने लेवल को थोड़ा सा नीचे लाना चाहिए, और स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि घर से पढ़ाई करके थोड़ा सा मेहनत करके अपने लेवल को थोड़ा ऊपर करना चाहिए, तब ये मैच होगा, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अभी क्या है कि टीचर जो है अब और ऊपर लेवल से पढ़ा रहा है, लड़कवा चुपचाप घर में पबजी खेल रहा है, उसको और कोई फुर्सत नहीं है। तो दोनों की जिम्मेदारी बनती है, तभी हम इस देश को ले जाएंगे आगे। शिक्षा का मतलब क्या होता है कि आपको एक अच्छा इंसान बनाना। कुछ लोग कहते हैं कि जो मैथ में इंटीग्रेशन समेशन पढ़े थे, इतिहास में जो पलासी का युद्ध, सिकंदर का आक्रमण, ये सब पढ़े थे, भूगोल उगोल में पढ़े थे, उस सब का अभी जरूरत क्या पड़ता है, हमको पढ़ाया क्यों। तो भाई साहब देखिए, पढ़ाई का अर्थ होता है कि आपके दिमाग को विकसित करना। जो व्यक्ति ये मैथ में पढ़ा होगा ना इंटीग्रेशन समेशन, और ये जो अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कभी भी चाय की दुकान पर छोटे मोटे बहस में भाग नहीं लेते हैं। अगर आप उनको बहस में घेरिएगा ना तो कहेंगे अच्छा भैया ठीक है फिर मिलेंगे। और वही जो ये सब नहीं पढ़ा रहता है वो कहेगा उल्टा सीधा बहस में फंस जाता है। तो पढ़ाई का उद्देश्य क्या होता है, सर्वांगीण विकास करना, आपके दिमाग का विकास करना। वरना आईएएस की पढ़ाई में जितना इतिहास भूगोल पढ़ाया जाता है उन लोगों को, ड्यूटी लाने के बाद डीएम की कुर्सी पे बैठ के इस सब का कोई काम नहीं है। काम क्या है कि पढ़ाई के वक्त में जो अपने दिमाग को उसने विकसित किया, उस विकसित दिमाग का उपयोग वो नौकरी के बाद कैसे समाज की सेवा में करेगा, ये उद्देश्य होता है। और कहीं ना कहीं ये शिक्षा नीति का भी यही उद्देश्य था। हमारे हिसाब से अगर आप इसको रैंकिंग नंबर दीजिएगा तो 100% में ये 95% ये शिक्षा नीति फिट बैठती है। अब दुनिया की तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो 100% फिट बैठ जाए, किसी भी चीज में सुधार की गुंजाइश रहती है। आई होप हम आपको अच्छे से समझा पाए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।